हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जेडी शाहपकड़ा में। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो भी हमारे बैटरी वाले स्प्रे पंप आते हैं उसकी वायरिंग के बारे में। तो दोस्तों आज हम उसकी पूरी वायरिंग आपको करके दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों जो भी उसकी वायरिंग है हम यहाँ पर टेबल पर ही स्प्रे पंप के बाहर ही करने वाले हैं, तो आपको आसानी से समझ में आए इसलिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो भी बैटरी वाले स्प्रे पंप आते हैं उसमें मेन ये पांच या छः सात चीज़ ही लगती है। एक है इसकी मोटर, एक है बैटरी, ये है उसका रेगुलेटर जो भी मोटर हम फुल या फिर धीमी या ज़्यादा कर सकते हैं, और एक स्विच है। अगर दोस्तों हमें काफ़ी कमेंट मिले थे कि इस स्विच में दो पॉइंट है और तीन पॉइंट वाली भी स्विच आती है, तो उसका वायरिंग किस तरह से किया जाता है तो आज हम उसी को भी दिखाने वाले हैं। तो एक यहाँ पर ये उसका सॉकेट है, और यहाँ पर एक ये जो इंडिकेट करता है कि जो मोटर पर कितना लोड रहता है। दोस्तों काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि ये किस लिए रखा जाता है, तो दोस्तों ये एक तरह से बैटरी का जो भी चार्जिंग है उसको भी दर्शाता है, और एक जो हमारे मोटर ये स्प्रे पंप की मोटर आती है उस पर कितना लोड रहे वो भी ये दर्शाता है, और ये एक मेन लगती है बैटरी। तो दोस्तों चलिए आपको इसकी वायरिंग एक एक को कनेक्शन करके दिखाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास ये दो वायर है जो भी यहाँ बैटरी पर ये लगने वाले हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं लगाने वाले हैं, उसके बाद में लगाएंगे ताकि जो भी उसके आपस में लगने पर ये शॉर्ट ना हो। इसीलिए इसको सबसे पहले यहाँ साइड पर रख देते हैं। तो एक ये हमारे पास इंडिकेटर है, एक ये स्विच है, और एक सॉकेट, और ये रेगुलेटर। तो दोस्तों इससे पहले भी हमने ये रेगुलेटर के द्वारा डायरेक्ट हमारी जो ये मोटर आती है स्प्रे पंप के उसको चला के एक बार दिखा दिया है। जो भी हमारी एक पुरानी वीडियो है उसमें ये दिखाया हुआ है कि जो रेगुलेटर से किस तरह का वायरिंग होता है, लेकिन आज हम उसका पूरा वायरिंग दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं स्प्रे पंप के सॉकेट से। तो यहाँ पर हमें आसानी से पता चलता है कि ये पॉजिटिव है ये, और ये नेगेटिव रेड और ब्लैक वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी जितने भी रेड वायर है उसको हम आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि जो भी रेड वाला वायर होते हैं उसका कनेक्शन डायरेक्ट ही होता है, किसी तरह के उसमें बीच में से कट नहीं होता है पावर। तो सबसे पहले हम जो भी ये रेड वाले वायर है उसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। एक रेगुलेटर में से एक रेड वाला वायर लेके, एक यहाँ से जो भी हमारा इंडिकेटर है उसमें से एक रेड वाला वायर लेंगे, जो भी सारे जो रेड वायर है उसको हम आपस में लगा देते हैं। ये एक हमारे जो बैटरी पर लगता है ये वायर है, और ये कम है यहाँ से मोटर है हमारी जो भी स्प्रे पंप की मोटर है उसमें से एक जो ये रेड वाला वायर है उसको लेंगे, और इस तरह से आप सबको जोड़ दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये रेड वाले वायर सारे जो ये पांच वायर है वो पांचों को हमने आपस में जोड़ लिया है। एक ही हमारे ये बैटरी में जाने वाला एक रेगुलेटर, एक ये इंडिकेटर, और एक हमारे पंप के सॉकेट, जो सॉकेट के द्वारा हमारी ये बैटरी चार्ज होगी। 12 वॉट चार्जर है। वायरिंग आती है ब्लैक वाले वायर, जो भी हमारे बैटरी में से ब्लैक वायर आता है उसकी वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों ब्लैक में से हमारे स्विच में से यहाँ पर ये बीच वाले वायर को लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हमारे बैटरी में से पावर आते हैं उसका हमने यहाँ पर स्विच वाले जो मिडल वाला पॉइंट है वहाँ पर लगा दिया है। अगर तीन पॉइंट वाली इस तरह की स्विच होती है तो उसमें भी यहाँ पर जो ये मिडल वाला वायर है वहाँ पर हमारे जो बैटरी में से पावर आता है उसका कनेक्शन यहाँ पर होता है, और एक हमारे रेगुलेटर पर लगता है, और एक हमारे जो भी मोटर आती है उस पर लगता है। उसका वायरिंग हम आपको बाद में दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक यहाँ लगा दिया है, तो इसके साथ अब भी बैटरी वाले हैं यहाँ पर एक ये वायर लगेगा जो कि हमारे स्प्रे पंप के सॉकेट में से ब्लैक वाला होता है उसका यहाँ पर होगा। अगर आप चाहे तो जो भी हमारे रेगुलेटर है उसका भी ब्लैक वाला वायर यहाँ पर लगा दे, ताकि जो भी हम रेगुलेटर चालू घुमाए और तुरंत हमारी मोटर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो स्विच पर निर्भर नहीं करेगा।
अगर आपने ब्लैक वाले वायर जो भी हमारे बैटरी से आते हैं उस वायर पर लगा दिया तो काफ़ी स्प्रे में इस तरह से होता है कि जो भी हमारे स्विच का वायर है वो फिर आप स्विच स्टार्ट करेंगे फिर बाद में वे रेगुलेटर में पावर जाएगा और बाद में आप रेगुलेटर घुमाएंगे तभी ये जो हमारी मोटर है वो चालू होगी। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ रेगुलेटर का जो भी वायर है वो डायरेक्ट हमारे बैटरी में से जो पावर आता है ब्लैक वाला उसमें ये लगाने वाला है ताकि जो भी अगर आपकी स्विच बंद है फिर भी आप रेगुलेटर घुमाएं तो हमारी जो स्प्रे पंप की मोटर है वो चालू हो जाए और इसका कनेक्शन डायरेक्ट हम हमारी जो कि बैटरी सॉरी हमारी मोटर है उस पर करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम टैप लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ब्लैक वाले वायर की वायरिंग कर ली है और ये रेड वाले की कर ली है, दोनों की कर ली है। अब बचा हमारे जो भी मोटर में पावर जाने वाला है ब्लैक वाला का उसका, ये मोटर वाला हमारे यहाँ पर ये ग्रीन दिया है लेकिन ये ब्लैक की पावर उसमें जाएगा। तो उसके लिए एक हमारे पास एक इंडिकेटर का जो वायर है वो बचा है, एक हमारे ये स्विच से वायर जो भी निकलता है वो बचा है और एक हमारे यहाँ पर एक ब्लू वायर मिला है रेगुलेटर में से वो तीन और एक ये चार, ये चार वायर हमें यहाँ पर मोटर के जो भी दूसरा बचा है वायर ग्रीन का हो या फिर ब्लैक उसमें। तो दोस्तों हम इस चार को भी कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरी वायरिंग कर ली है, अब हम उसको लगाने वाले हैं हमारे जो भी बैटरी है उस पर इसका कनेक्शन। एक यहाँ पर रेड वाला बचा है और एक यहाँ ब्लैक वाला, रेड वाला खास ध्यान रखें रेड पर लगे और ब्लैक वाला यहाँ ब्लैक पे लगाए वरना नहीं ये सा उल्टा होता है तो यहाँ पर ख़राब होने का चांस मेन रेगुलेटर का रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो भी इंडिकेटर है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं रेगुलेटर से इस तरह से। जितना भी आप रेगुलेटर बढ़ाएंगे उतना ही यहाँ पर जो इंडिकेटर लाइट है वो कम या ज़्यादा होगी इस तरह से। तो यहाँ पर हो गया ये रेगुलेटर का जो कि हम डायरेक्ट स्टार्ट करने पर भी ये जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट होगी। ये कि हमारे स्विच का वायरिंग, अगर स्विच आप चालू करेंगे तो ये मोटर है वो डायरेक्ट फुल ही चलेगी क्योंकि इसका जो पावर है वो डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी का सीधा कनेक्शन लगता है। अगर रेगुलेटर में से पावर आएगा तो वो कम होकर आएगा तो इसलिए ये कम ज़्यादा इससे होगी तो इससे फुल हो आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों स्प्रे पंप में बस इतना ही वायरिंग रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो बात करते हैं इस जो भी तीन जो भी पॉइंट वाली स्विच आती है उसके बारे में। तो दोस्तों हम फिर से जो भी पूरा वायरिंग है वो नए से करेंगे क्योंकि हमने जो ये रेड वाले हैं वो पाँच है वो तो हमने पहले से ही इसमें यहाँ पर लगा दिए है क्योंकि जो भी रेड वाले वायर है वो यहाँ पर एक ही जगह पर लगता है बैटरी में से डायरेक्ट पावर वो सीधा जाता है। और अब बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बीच वाले जो भी वायर है उसका यहाँ पर जो बैटरी वाले ब्लैक वायर है उसमें लगा देना है और एक तीसरा वायर जो भी हमारे यहाँ सॉकेट में है ब्लैक वाला उसको भी यहाँ पर लगा दें ताकि जो भी हमारी बैटरी है वो चार्ज हो सके इस तरह से। और अब हमारे पास ये दो जो वायर है वो बचे हैं। तो दोस्तों एक जो ब्लैक वाला इस वायर है अगर आप इस तरफ स्विच करेंगे तो ये वायर है उसमें पावर जाएगा तो यहाँ से हम इसको हमारे जो रेगुलेटर है उसमें देंगे। तो एक वायर हमें यहाँ पर रेगुलेटर के जो ब्लैक वाले वायर है ब्लैक वाले उसमें लगाना है। तो दोस्तों उसमें हमने क्या किया था, जो भी हमारे बैटरी से पावर आता है उसमें हमने ये जो रेगुलेटर का ब्लैक वायर है उसको हमने यहाँ पर इस बैटरी में से जो भी पावर आता है डायरेक्ट उसको लगा दिया था। अब हम उसको स्विच में लगा देंगे जो और एक्स्ट्रा जो भी हमें स्विच में पॉइंट मिलता है वो उसी का ही है क्योंकि हम अभी जब भी रेगुलेटर एक बार सेट करने पर भी ये स्विच से काम करता रहे। और एक जो तीसरा बचा वो डायरेक्ट हमने उसी स्विच में दिया था वो हमारी यहाँ पर मोटर के वायर है, यहाँ पर मोटर के वायर में लगेगा इसमें
तो दोस्तों इसको हम यहाँ लगा देंगे। और उसी तरह से जो भी हमने रेगुलेटर में से ब्लू वायर लिया था जो कि हमारी मोटर में जाता है उसी का, तो दोस्तों काफ़ी रेगुलेटर में ये ग्रीन कलर का वायर आता है काफ़ी में, ये जो हमें ब्लू कलर का देखने को मिलता है ज़्यादातर ये ग्रीन ही होता है, लेकिन हमारे पास जो ये रेगुलेटर है उसमें ब्लू कलर का है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने तीन लगा दिए और एक ये इंडिकेटर का भी, तो जब भी इसको पावर मिले तो ये इंडिकेटर बताता रहे कि कितना लोड पड़ रहा है और हमारी बैटरी कितनी चार्ज है या फिर नहीं। तो दोस्तों इस बार फिर से हमने ये जो तीन पॉइंट वाली स्विच है उसका वायरिंग यहाँ पर कर लिया है, उसमें हमने टैप नहीं लगाई है तो क्या कि उसका ध्यान रखना पड़ेगा नकर वरना चोट होगा तो हमारा रेगुलेटर ख़त्म होने का चांस रहता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो भी तीन स्विच वाली है उसमें से जो यहाँ से पावर आएगा तो एक तो हमारे डायरेक्ट मोटर चलेगी और दूसरा वायर यहाँ से ये हमारा ब्लैक वाला बचा है, तीसरा उसको हमने रेगुलेटर में दिया था ब्लैक वाला है उसमें। तो दोस्तों उस बार हमने क्या किया था तो कि ये ब्लैक वाला है उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पर बैटरी में दिया था, उसका हमने अभी ये स्विच में कर दिया था कि पावर उसमें से जा सके। अब हम उसको रेगुलेटर में पहले चालू करेंगे तो जितना रेगुलेटर बढ़ेंगे उस तरह ये चालू हो गया, अब यहाँ से भी बंद हो गई उस तरह। अगर हमको इतना सेट करना है तो एक बार ही सेट करने पर ये स्विच से इस तरह से धीमी स्पीड पर चलता रहेगा, अगर हमको फुल चलाना है तो ये जो तीसरा पॉइंट है उसमें से पावर डायरेक्ट जाएगा और फुल चलेगी और इस तरफ स्लो चलेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार एक वायर है हमारा जो ये रेगुलेटर के लिए तीन पॉइंट वाली जो स्विच आती है उसमें इस तरह का वायरिंग रहता है ताकि आसानी रहे रेगुलेटर आपको एक बार ही सेट करना पड़े। तो दोस्तों इस वायरिंग में पंप के वायरिंग में इतना ही, अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वायरिंग में आपको खास ध्यान रखना है जो भी हमारे ब्लैक वायर आते हैं उसका एक वायर हमें सॉकेट में लगाना है एक स्विच में लगाना है। अगर रेगुलेटर में अगर आपके पास तीन पॉइंट वाली स्विच है तो रेगुलेटर का वायर आपको स्विच में लगाना है, अगर दो पॉइंट वाली स्विच है आपके पास तो एक रेगुलेटर वायर आपको डायरेक्ट या बैटरी के जो ब्लैक वायर कनेक्शन है वहाँ पर लगाना है। बस ये ध्यान ज़्यादा तो रेड वाले का वायर तो आपको आसानी से पता चल रही है, जो भी जितने भी रेड वायर है वो आपस में लगा देना है सॉकेट का, एक रेगुलेटर का, एक इंडिकेटर का और एक हमारे पास स्प्रे पंप के मोटर का। और ब्लैक वायर में आपको एक स्विच में लगाना है एक सॉकेट में लगाना है। अगर आप सॉकेट में चला गए, अगर तीन पॉइंट वाली है तो आपको रेगुलेटर का यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन ब्लैक वाला यहाँ पर नहीं करना है तो वो स्विच में लगेगा। अगर आपके पास दो ही पॉइंट वाली स्विच है तो ये रेगुलेटर का वायर है उसको आपको यहाँ पर लगाना है, तो डायरेक्ट आप जब भी रेगुलेटर ऑन करें तो डायरेक्ट हमारी मोटर चल जाएगी। तो दोस्तों बस इतना ही वायरिंग, अगर आपके पास रेगुलेटर नहीं है तो ये वायरिंग सीधा यहाँ पर मोटर में हो जाएगा कनेक्शन डायरेक्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी अगली वीडियो में जो भी वायरिंग रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें आपको बताएंगे कि उसकी वायरिंग किस तरह से होती है। तो थैंक यू दोस्तों।